हैमस्टर कॉम्बैट में बहुत सारे लोगों को चीटिंग इज बैड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी दिखाई दे रहा है। तो भाई आगे क्या किया जाए, और ये नए गेम्स है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखिए आप सिर्फ हैमस्टर कॉम्बैट पर ही ध्यान मत दो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बीच में बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे। मैंने कहा था कि एयर ड्रॉप जरूर देंगे, आपको जुड़े रहना है। और मैं जो भी चीज़ बताता हूँ ना कि भाई मेरे वीडियो लास्ट तक इसलिए देखिए, मैंने कहा था भाई की जनरेटर का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारे लोगों ने कर लिया, पर उसके बाद जो रियल लोग थे, ठीक है, लेजेंडरी जिसे हम कहेंगे, वो लोगों ने पूरी बात सुनी कि 10-15 मिनट के बाद एक एक की लगाना है, पर लोगों ने नहीं सुने। बोले सर 10-15 मिनट के बाद क्या, एक साथ लगाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएंगे, और आज देख रहे हो दिक्कत हो गई है। चीटिंग इज बैड का ऑप्शन आपके इसमें आ गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोगों ने गलती क्या की है इनकी, देखो मैंने पहले भी कहा है इनके पास पूरी एक्टिविटीज़ है, आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। लोग गए हैं यहाँ से और ऊपर से क्लिक कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस के लिए नहीं रहता क्या सिस्टम, अर्न में जाकर वहाँ पर क्लिक किए, यूट्यूब वीडियोस पर गए, स्किप हटाए और तुरंत आ गए और की ले लिए। भाई वहाँ पर वीडियोस देखे ही नहीं आपने, नहीं देखे तो भाई इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ की से हुई है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, क्लिकर का भी इस्तेमाल लोगों ने किया था। और बीच में आप इसको भी मत भूलिए, यहाँ पर रॉकी रैबिट के बारे में मैंने आपको बताया था, सब प्रोजेक्ट पर मेरा ध्यान रहता है कहाँ क्या चीज़ें चल रही है। कैट्स के बारे में कल मेरा वीडियोज़ देखे आपने सुबह के वक्त, उसमें मैंने आपको बताया था एयर ड्रॉप जस्ट आ चुका है, ठीक है, और जस्ट आया था फिर चले गया था, फिर बहुत सारे लोगों को अभी शो नहीं हो रहा है, तो भाई जब आएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो रॉकी रैबिट में इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एलिजिबिलिटी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्लेयर डाटा स्नैपशॉट दिया जाएगा, उसके बाद फाइनल एवलुएशन होगा, उसके बाद एयर ड्रॉप एंड सेक्स लिस्टिंग हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट न्यू रॉकी रैबिट के लिए स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सीजन वन सीजन टू हर चीज़ में लेकर आते रहते हैं, सेम चीज़ें हैमस्टर पर भी चल रही है। अभी ये सीजन वन एंड हो चुका है, सीजन टू चालू है। अब लोगों के इसमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एयर ड्रॉप्स सेप्टेम्बर 26, यू हैव बीन चीटिंग दिस सीजन, नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, मैं आपको दो सजेस्ट करूंगा। आप जैसे चाह रहे थे कि भाई हम अब काम नहीं करेंगे इस पर, हैमस्टर छोड़ देंगे, तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास रॉकी रैबिट भी है, एक्स एम्पायर भी है, कैट्स भी है, डॉग्स भी है, ब्लम बेस्ट ब्लम ब्लम भी है, कैटिजन के भी जस्ट आए हैं, तो इसके कारण उस पर भी काम कर सकते हो। दूसरा सर इस पर ही काम करना है तो क्या करना चाहिए, न्यू अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, उस पर स्टार्टिंग से सेकंड सीजन पर आप काम कर सकते हो, इस पर करने की जरूरत नहीं है, इसको टाइम क्लियर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो नया सीजन के लिए नया अकाउंट्स बनाकर भी आप काम करेंगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेंगे। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दिया जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ से मैं रॉकी रैबिट बंद करता हूँ, इनके तब से अभी तो अपडेट नहीं आया है कुछ भी, ठीक है, बस इसमें आके भी ज़्यादा डायमंड कलेक्ट करो। अब देखो कीज के लिए भी ज़्यादा बोले थे, इधर भी लिखा है अपकमिंग सीजन मोर डायमंड्स मोर बेनिफिट्स, ज़्यादा डायमंड ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। कल चल के ये मत बोलना कि आपने तो बोले थे ज़्यादा बेनिफिट्स है, कहाँ लिखा है, लिखा है ना, जो भी चीज़ें मैं अपने तरफ से नहीं बताता, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी रहती है उसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीजन वन एंड्स हो चुका है, कैलकुलेट कर रहे हैं आपका रिजल्ट और जल्द से जल्द ये आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया एक्सचेंज है स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, माइनेंस पे थे हम, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये हमें मिलते जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग कीजिए, ठीक है। और माइनिंग के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट माइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो, फ्री में मिल रहा है, ले लो 0.05, वेरी गुड। यहाँ पर 0.05 एक से मिलेगा, PPH बढ़ाना है, यहाँ पर भी मैंने क्लिक किया हो, ये भी मैंने क्लिक किया हो, और उसके बाद यहाँ से हमें सिर्फ डायमंड्स कलेक्ट करना है अब, ठीक है। माइनिंग में अब हमको सिर्फ डायमंड्स लगेंगे, और इसमें अलग अलग गेम्स भी है, और ये जो जितने भी गेम्स है ये सब वेब 3 के हैं, ठीक है। तो ये मत समझना वेब 2 के गेम्स अलग और ये गेम्स अलग है, वेब 3 कन्वर्ट कर चुके हैं उसमें, और आगे से आपको एक वैलिड अकाउंट बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ सकता है वेब 3 पर भी, ओके, और टोन कीपर पर भी। अब टोन कीपर के पे कैसे बनाएंगे, एक करके स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारी चीज़ें हैं यार बताने की, कर रात भर से सोया नहीं हूँ आपके चक्कर में, और यहाँ पर जा रहा हूँ। और बहुत सारे जन कह रहे हैं सर बॉयकॉट हैमस्टर का एक ट्रेंड चला, मैंने जैसे चला तो बोल रहे थे सर जिन्हें चीटिंग किया उनको जाने दीजिए ना, अपन क्यों ये करें एकदम से। तो इसके कारण जिन जिन लोगों ने मैं जो जो चीज़ बताया वो चीज़ की है ना, तो डेफिनेटली उनका अकाउंट सेफ है। तो इसके कारण भाई थोड़ा सा पूरा वीडियोस देखा कीजिए, है ना, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो भाई आधी नॉलेज से गड़बड़ हो ही जाती है। यहाँ पर हम गए हैं और भी कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो मैं बाइनेंस यहाँ पर आता हूँ, 55 हमारे इसमें है। ऊपर में जो गेम्स दिखाई दे रहे सब वेब 3 के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेमोरीज पर जाकर आप चेक करोगे तो पिछली बार कल कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे थे, डेज नहीं दिखाई दे रहे थे, अब आपके इसमें दिखाई देने लग चुके हैं। कितना घंटे बचे हैं, यहाँ पर जाएंगे आप एयर ड्रॉप्स पर, ऊपर में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, बाद में ये मत बोलना सर आपने बताया नहीं थे, अभी भी कह रहा हूँ, जितने भी आपके इसमें विड्रॉल है किसी एक को सिलेक्ट करके रख लो, बाइनेंस एक्सचेंज, ठीक है, बस ये राइट ग्रीन कलर का टिक आपके इसमें होना चाहिए, वरना जो आपको ये चिटिंग एज बैड का ऑप्शन नहीं आया और आप सिलेक्ट हो गए एयर ड्रॉप्स में, एयर ड्रॉप्स नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, इसमें से ऑन चेंज एयर ड्रॉप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता नहीं बाइनेंस नहीं करना हमें ये करना, पर इसमें आपको गैस फीस लगेंगी,
इसमें गैस फीस नहीं लगेंगे ईबी एक्सचेंज पर, वो भाई नहीं समझेंगे आपको, नॉट नोटेरियल वैलेट में कहाँ जाएंगे। बाकी चीज़ें हैं ना, वैलिड इंटर टेलीग्राम कर सकते हैं, लाइट के वाई सी लगेंगे, या फिर आप तीनों में से कुछ भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, तुरंत हो जाएगा। ओके, तो वेरीफिकेशन कर लेना, मैंने इस पर वीडियोज भी बना चुका था। तो यहाँ पर आपको टोकन दिखाई दे रहा है, सीजन वन आप कैलकुलेट कर रहे हो रिजल्ट, दे विल बी रेडी सून, यहाँ पर आपके इसमें शो होने लग जाएंगे क्या क्या रिजल्ट है उनके तरफ से आया है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इसके अलावा भी दूसरे प्रोजेक्ट पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या हूँ मैं, बाइनेंस सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है, बाइनेंस ही मैंने सिलेक्ट किया, और बाइनेंस ही यहाँ पर उसके बारे में पूरी डिटेल डालो, मतलब चेक कर लेना। विड्रॉल में आपने ओके एक्स सिलेक्ट किया है तो एक्सचेंज पर जाके भी ओके एक्स ही आपको करना है। यहाँ पर आप जा सकते हो फैक्ट्री गेम, यहाँ पर जाने के बाद मैंने अभी भी कह रहा हूँ इंस्टॉल कर लेना गेम, यहाँ पर क्लिक करके गेम्स खेलना, ठीक है। अगर आपको दूसरी तरीके से जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, आप घबरा गए हैं लोग, तो उसके कारण मत कीजिए, पर आपको गेम खेलना। अब इसमें क्या होगा, जैसे क्लेम किया हो मैंने, यहाँ पर आपको सिर्फ ये लेते जाना है 500 500 500, ऊपर में आपको कॉइन्स दिखाई दे रहे, ठीक है, ये लेते जाना है, और ये बंदे झाड़ काट काट के इस पर डालेंगे आरा मशीन पर, वहाँ पर लकड़ी काटते जाएंगे, फैक्ट्री पर जाएंगे, फैक्ट्री से लकड़ी का पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, और हाँ ये रोड भी है, इसको भी कर लेता हूँ मैं सब, ये लेते जा रहा हूँ ना क्लेम, और रिफाइनरी बनाने के लिए भी पैसा लग रहा है ना, तो ये भी बना लिया हो मैंने, ये पैसा ले लो इधर से, कलेक्ट करते जाइए बस। और कहा है ये है ना जी, हमारे पास अभी मनी खत्म हो गया है, जब मनी आएंगे तो तब। और बाजू में इवेंट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको फाइंड द कलेक्ट हैमस्टर टू गेट द हैमस्टर प्रोमो कोड, कंप्लीट द टास्क टू गेट द प्रोमो, ये टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्रोमो कोड दिखाई देने लग जाएंगे, कॉपी करना है और सेम टू सेम प्रोमो कोड आपको यहाँ से बैक आना है और वो डाल देना है, ठीक है। अरे भाई ये है ना, यहाँ पर आके आपको प्रोमो कोड यहाँ पर डाल देना है, और आपको इसकी तरफ से डायमंड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पूरे डायमंड्स आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये सब चीजें जितनी भी की थी सब हटा के अब ये आपको डायमंड्स प्रोवाइड करवाने लग जाएंगे। ओके, तो इसके बारे में भी जस्ट, हाँ यहाँ पर सेकंड गेम्स दिखाई दे रहा है, थर्ड गेम्स दिखाई दे रहा है, तो प्ले ग्राउंड पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड भी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गए पजल गेम, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पजल भी आप सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप लेते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये ले लिए हैं। चाबी कैसे लिख लेंगी यार, ये तो गड़बड़ हो गई है, नहीं सरकेंगे ना, ले लेना बाकी अपने आप अपने हिसाब से, ठीक है। पूरी चीज़ें खाली है अपने पास, पर ये चीज़ नहीं हट रही तो क्या करेंगे, चलो बाद में चेक कर लेंगे इसको, इतने जल्दी जल्दी में नहीं। और हेक्सा पजल्स भी जाकर आप खेल सकते हो। प्ले करते जाना है यहाँ से, ऑरेंज ग्रीन ग्रीन पूरे कलेक्ट होते जाएंगे और ये पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। इसे भी एग्जिट कर लेता है, सबसे ज़्यादा आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, मतलब अब इसमें लिमिट नहीं है, क्योंकि कॉइंस में क्या था 40 मिलियंस थी एक टारगेट, और किसी ने 45 मिलियंस भी कलेक्ट कर लिया था। अब ये मिनी है बस, ठीक है, मिनी कार्ड्स मतलब माइनिंग भी हो रही है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने लगे। इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले कीजिए, उसके बाद इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले कीजिए, क्योंकि अगर ये एयर ड्रॉप अच्छा दिया तो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँगा हैमस्टर को, वरना एयर ड्रॉप अगर अच्छा नहीं दिया तो भाई दिक्कत हो सकती है, इसमें बहुत सारे लोग इसको छोड़कर जा भी सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको लगता तो फ्रेंड्स भी करके रख लीजिए आप, अर्न पर जाकर आप चेक कर लीजिए जो जो चीज़ आपके इसमें एक अकाउंट है तो भाई ज्वाइन कर लीजिए, ये सब चीज़ें कंप्लीट करके रखो आप, है ना, क्योंकि नॉर्मली है जिस तरीके से ये चल रहा है, और बाकी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। मेमोरीज भी है, गेम्स भी है, लाइट हाउस, कॉपी ऑफ द कैट, इस तरीके से आपके इसमें दिखाई देंगे, ठीक है, कोड दिखाई देंगे, वो कॉपी करके यहाँ पर डालना है आपको, और वो वहीं पर आएगा हैमस्टर कॉम्बैट का जो लिस्ट है ना। और मुझे कमेंट करके बता देना आपके साथ क्या हो रहा है, चीटिंग इज बैड आ रहा है, तो भाई वो भी देख लेना थोड़ा सा, आपको अगर लगता है तो नया सेशन से गेम स्टार्ट कर सकते हैं, वरना दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। चलिए ठीक है, और कुछ अपडेट तो नहीं आया, और कुछ अपडेट आएंगे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो जरूर बना लूँगा। ओके, तो वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तो फ्रेंड्स का चैनल एजाज इंजीनियर ऐसे वीडियो में आपके लिए बना करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।